हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मोदी सरकार ने एक नया नियम निकाला है, घर बैठे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग बुजुर्ग। हाँ जी, मोदी सरकार ने ये कानून बदल दिया है। बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। इस श्रेणी के लोग पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट। 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग अब पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि श्रेणी के उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार मतदान केंद्र पर जाकर भी वोट दे सकते हैं। इनके लिए दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे। अब आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय कानून व न्याय मंत्रालय ने चुनाव नियम में 1961 में संशोधन किया। इसके तहत दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को एम्बेसिडी वोटर लिस्ट में शामिल करने की अनुमति मिल गई है। एब्सेंटी वोटर का मतलब है जो मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुँचने में असमर्थ है। पोस्टल बैलेट पेपर होगा जारी। संशोधित नियम के अनुसार व्यक्ति एक नए फॉर्म 12D में आवेदन करेगा, जो चुनाव की अधिसूचना की तारीख के बाद के 5 दिनों के अंदर रिटर्न अधिकारी तक पहुँचाया जाएगा। इस आवेदन को प्राप्त किए जाने के बाद निर्वाचक वोट देने वाला शख्स को एक पोस्टल बैलेट पेपर जारी किया जाएगा। उस पोस्टल बैलेट को वोट की रिकॉर्डिंग के बाद स्पेसिफाइड सेंटर में जमा किया जाएगा। आयोग का कहना है कि इस मकसद से ज़्यादा उम्र या दिव्यांग व्यक्तियों की मतदान में भागीदारी होगी। अधिकारी के मुताबिक दिव्यांग और बुजुर्ग दोनों ही श्रेणी के लोग मतदान केंद्र तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण वे अपना वोट नहीं डाल पाते। अब इस नए नियम के अनुसार इन दोनों ही श्रेणी के लोगों को मतदान करने में आसानी होगी और इससे मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।